हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं विकास कौशल और आप देख रहे हैं चैनल रैप्टर्स टेक। तो दोस्तों, बजट वायरलेस हेडफोन्स में आजकल कई ब्रांड्स ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। 500 से लेकर 1500 तक के बजट में ऐसे कई ब्लूटूथ हेडफोन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से फीचर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बजट ब्लूटूथ हेडफोन्स में फिट नहीं बैठता है। बजट हेडफोन्स में आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, लेकिन वहीं कुछ कमियाँ आपको बजट प्रोडक्ट होने की वजह से मिल ही जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बजट में भी फिट आता है और फीचर्स में भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि 1000 रुपये की प्राइस पॉइंट पर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको किसी भी और ब्रांड के हेडफोन से कहीं ज़्यादा फीचर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1000 रुपये की कीमत से नीचे आने वाले ज़ेब्रोनिक ज़ेब बैंक ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन्स की। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, जिसमें मैं आपको इस कमाल के हेडफोन का अपना ऑनेस्ट यूज़र रिव्यू दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात ज़ेब्रोनिक्स ब्रांड की। तो ज़ेब्रोनिक्स एक लंबे समय से इंडिया की टेक मार्केट में रहा है। शुरुआत में ज़ेब्रोनिक्स बजट कंप्यूटर पार्ट्स में डील करता था, लेकिन अब बजट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ बजट गेमिंग गियर का मार्केट भी अब इस ब्रांड ने बना लिया है, जिसमें गेमिंग हेडसेट, माइक, गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस, गेमिंग कैबिनेट, RGB मल्टीमीडिया स्पीकर्स शामिल है। ब्लूटूथ हेडफोन्स में भी काफ़ी वैरायटी ज़ेब्रोनिक्स आपको देता है, जिसमें से एक है ज़ेब बैंक वायरलेस हेडफोन। तो अब देर ना करते हुए बॉक्स का ओवरव्यू करते हैं और नज़र डालते हैं इसके कुछ फीचर्स पर। तो दोस्तों, ये है हमारे ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब बैंक हेडफोन का बॉक्स, ज़ेब्रोनिक्स के ब्लू येलो व्हाइट थीम बॉक्स में। बॉक्स की डिज़ाइनिंग काफ़ी सही से की गई है। पीछे की तरफ यहाँ पर इसके फीचर हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 5.0, ऑक्स केबल सपोर्ट, कॉलिंग फंक्शन, वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट, फोल्डेबल डिज़ाइन, 20 घंटे का प्ले टाइम, डुअल पेयरिंग और 40mm के ड्राइवर। नीचे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और प्राइसिंग भी दी गई है। सामने की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स और मेन फीचर दिए गए हैं। बॉक्स एक साइड से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना है, जिसके अंदर आप हेडफोन को देख सकते हैं। तो आइए अब इसके बॉक्स कंटेंट्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, अब मैं जल्दी से इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूं और इसके अंदर क्या क्या है वो भी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आती है हमारी मेन यूनिट, यानी कि हमारे हेडफोन्स, जो कि एक प्लास्टिक के खांचे में फिट किए हुए हैं, सेम जैसा कि लीफ वाले हेडफोन्स के बॉक्स में हमने देखा था। हेडफोन्स के अलावा इसमें आपको मिलेगी माइक्रो USB चार्जिंग केबल, पर जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक ऑक्स केबल भी है, पर ये असल में लीव वाले हेडफोन्स की ऑक्स केबल है। इस हेडफोन में आपको ऑक्स केबल साथ में नहीं मिलेगी, जो थोड़ा सा यहाँ मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा है। एक मैनुअल भी आपको इसमें मिलता है, पर अभी वो इसमें नहीं है। तो दोस्तों, ये है हमारे हेडफोन्स। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो दोनों ईयर कप्स पर आपको लेफ्ट और राइट मार्किंग मिलेगी और ग्रिल टेक्सचर आपको ईयर कप्स पर देखने को मिलेगा, साथ ही सिल्वर फिनिशिंग सर्कल्स पर आपको देखने को मिल जाएगी। हेडबैंड के दोनों तरफ आपको ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग और मॉडल नेम प्रिंटेड मिलेगा। हेडबैंड पर काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग की गई है, काफ़ी सॉफ्ट और कम्फर्टेबल है। हेडफोन की हेड ग्रिप भी काफ़ी सही है, बड़े हेड वाले लोगों को थोड़ी टाइट ये ग्रिप लग सकती है और काफ़ी देर तक यूज़ करने पर कानों पर स्वेटिंग हो सकती है। हेडफोन्स की वायरिंग यहाँ पर बाहर की तरफ को की गई है, जो थोड़ा अजीब मुझे यहाँ पर लगा है, क्योंकि कटने या टूटने का खतरा इस तरह थोड़ा बढ़ जाता है। ओवरऑल इस हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी जो है वो मुझे बहुत सही लगी है। प्लास्टिक काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। बड़े सिर वाले लोगों के लिए इसमें हेड एडजस्टर भी दिए गए हैं। एडजस्टर भले ही प्लास्टिक के हैं, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी क्वालिटी का। सिर्फ एक बात यहाँ थोड़ी अजीब लगती है कि हेडफोन का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है एडजस्टर को एक्सटेंड करने के बाद। फिर भी ये एडजस्टर काफ़ी सही है और सही फिटिंग आपको देते हैं। एक और फीचर इसका यहाँ पर जो है वो ये है कि ये हेडफोन फोल्ड हो जाते हैं अंदर की तरफ, जिससे ये कैरी करने में ईजी रहते हैं और इन्हें आप अपने बैग में आसानी से रख सकते हैं। साथ ही इनका लुक साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है। फिर आती है ईयर कप्स की कुशनिंग, जो देखने में काफ़ी छोटी लगती है, लेकिन ये कुशनिंग बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है और लॉन्ग सेशन के लिए आप इन हेडफोन्स को पहन सकते हैं। हेडफोन्स की ग्रिप की वजह से ये थोड़े से टाइट ज़रूर फील होते हैं, लेकिन डिस्कम्फर्ट आपको फील नहीं होगा। तो इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को मैं एक्सेलेंट कहूँगा इसकी प्राइस के हिसाब से, क्योंकि इससे महंगे हेडफोन्स भी बिल्ड क्वालिटी में इससे काफ़ी पीछे हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल्स की। तो पहले आता है इसका माइक, LED लाइट इंडिकेटर, 3.5mm जैक ऑक्स के लिए, माइक्रो USB पोर्ट चार्जिंग के लिए, और फिर आते हैं इसके तीन मेन कंट्रोल बटन, जिसमें मिडिल वाला ऑन ऑफ का बटन है और बाकी के दो मल्टी फंक्शन बटन वॉल्यूम अप डाउन करने के साथ साथ सॉन्ग को नेक्स्ट प्रीवियस करने का काम भी करते हैं। बटन का फील्स काफ़ी सॉफ्ट क्लिक वाला है और क्वालिटी भी काफ़ी सही है। ऑन करने पर नीचे की तरफ की LED लाइट ब्लिंक करती है और हेडफोन पेयरिंग मोड में आ जाता है। इसके अलावा और कोई भी बटन या पोर्ट इस हेडफोन में नहीं है। वैसे ज़ेब्रोनिक्स के कुछ हेडफोन्स microSD कार्ड और FM रेडियो का सपोर्ट भी देते हैं, पर वो फंक्शन इस हेडफोन में मौजूद नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ हम करेंगे एक छोटा सा बिल्ड क्वालिटी कंपैरिजन जैप बैंग और लीफ बेस हेडफोन के बीच में। तो जैसा कि आप देखकर ही बता सकते हैं कि इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी फर्क है। जहाँ लीफ बेस का प्लास्टिक एवरेज क्वालिटी का है, वहीं ज़ेब्रोनिक जैप बैंग काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के प्लास्टिक से बना है। जैप बैंग के मुकाबले लीफ के हेडफोन्स की ग्रिप काफ़ी ढीली है, जो मैं आपको इसके रिव्यू में भी बता चुका हूँ। दोनों हेडफोन्स के एडजस्टर को भी आप देखकर इनकी क्वालिटी का फर्क आसानी से बता सकते हैं कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। वहीं कीमत की बात करें तो जैप बैंग करीब 200 से 300 रुपये सस्ता आपको मिलेगा लीफ के हेडफोन से। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करने में कोई परेशानी नहीं आएगी कि इनमें से बेस्ट हेडफोन आपके लिए कौन सा है। तो अब बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है और साथ ही डुअल पेयरिंग मोड भी इस हेडफोन में आपको मिलेगा, यानी कि एक साथ दो डिवाइसेस से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। 40mm के ड्राइवर इसमें आपको मिलेंगे, जो इस तरह के हेडफोन्स का स्टैंडर्ड ड्राइवर साइज होता है। बैटरी की बात करें तो एक बार फुल चार्ज करने पर इसमें आपको 20 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा, अगर आप इसे 70% वॉल्यूम पर यूज़ करते हो तो। रियल टाइम में इसका बैटरी बैकअप करीब 17 से 18 घंटे के करीब मैंने नोट किया है, जो काफ़ी सही इन हेडफोन के हिसाब से मुझे लगा है, क्योंकि इस कीमत पर इस तरह का बैटरी बैकअप और हेडफोन में आपको नहीं मिलेगा। ऑक्स सपोर्ट के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन केबल आपको अलग से लेनी पड़ेगी क्योंकि साथ में ऑक्स केबल इसमें नहीं दी गई है। बात करें ऑडियो क्वालिटी की, तो ऑडियो क्वालिटी इसकी एक्सेलेंट लेवल की मैं कहूँगा, क्योंकि बेस और ट्रिबल का बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिलेगा, जिस वजह से म्यूज़िक सुनने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाता है। हेडफोन्स की लाउडनेस भी काफ़ी बड़ी है, जो गेमिंग के टाइम यूज़फुल रहती है, और इस हेडफोन को मैं गेमिंग के लिए भी ज़रूर रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें किसी तरह की लेटेंसी इशू मुझे नहीं लगा गेमिंग करते हुए, और लाउडनेस की वजह से शूटिंग गेम्स में एनिमी डिटेक्शन ईजी हो जाता है, तो गेमिंग के लिए भी हेडफोन्स एक अच्छा ऑप्शन है। एक और बात यहाँ जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें ऑडियो लीकेज जो है वो बहुत ही कम है, यानी कि आपकी साउंड आपके आसपास के लोगों को नहीं के बराबर सुनाई देगी, जो एक बहुत अच्छा फीचर मुझे यहाँ पर लगा है। अब बात करते हैं इसके माइक की, तो इसमें आपको जो माइक दिया है वो कॉलिंग फंक्शन के साथ साथ गेमिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एक ऑडियो सैंपल मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ, जिससे आपको इसकी माइक की क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो जैप बैंग हेडफोन के माइक से रिकॉर्ड की गई है। आपको इसकी माइक क्वालिटी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि ये हेडफोन एक मस्ट बाय प्रोडक्ट है मेरी तरफ से, क्योंकि ये एक परफेक्ट ऑप्शन है बजट ब्लूटूथ हेडफोन कैटेगरी में, और 1000 रुपये से कम की कीमत के किसी भी हेडफोन से ज़्यादा फीचर आपको इस हेडफोन में मिलेंगे। दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ।